नमस्कार, आज हम लोग न्यूरोलॉजी के एक नए टॉपिक में बात करेंगे गुलेन-बारे सिंड्रोम के बारे में। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गुलेन-बारे सिंड्रोम को और इससे मिलते जुलते कंडीशंस के बारे में। तो इसमें हम कई अलग अलग सिमिलर प्रेजेंटेशन के बारे में भी हम बात करेंगे ताकि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकें। गुलेन-बारे सिंड्रोम में हमारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होती है। क्यों डिस्ट्रॉय होती है? क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज काम करने लगते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और डिस्कस किया था जहां पर माइलिन शीथ का डैमेज होना हम लोगों ने पढ़ा था। वो प्रॉब्लम थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज हमारे माइलिन शीथ के खिलाफ बनने लगती है, और वैसा ही लगभग गुलेन-बारे सिंड्रोम में भी होता है। गुलेन-बारे सिंड्रोम में अंतर क्या है, इस बात को जानना जरूरी है। जहां मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होती है, वहीं गुलेन-बारे सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होती है। तो इसके कारण क्या होगा, पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस, असेंडिंग पैरालिसिस, सबसे पहले बॉडी के लोअर पार्ट्स में नीचे से इसका इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होता है। तो यहां की पॉइंट्स ये है कि ये असेंडिंग पैरालिसिस है। सबसे एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस सबसे पहले स्टार्ट होगा और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ये प्रॉब्लम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से होती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन, जिसके कारण पॉलीन्यूरॉन्स अफेक्ट होते हों। तो इसीलिए गुलेन-बारे सिंड्रोम का एक और नाम है AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, जिसमें एक्यूटली इन्वॉल्वमेंट होता है, मोटर पैरालिसिस होती है, सेंसरी जो सिस्टम है वो इंटैक्ट रहता है, और यहां पर कोई भी क्रैनियल नर्व यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके अगेंस्ट जब हम लोग ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा था तो वहां डीमाइलिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर होता है, क्रैनियल नर्व्स वहां इन्वॉल्व होती हैं। एक और खास बात, यहां ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे गुलेन-बारे सिंड्रोम से अलग हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस के बारे में, जहां पर देखेंगे सिमिलर लगभग इसी से मिलता जुलता प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वहां पर ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस में ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हम लोग पढ़ेंगे, यहां गुलेन-बारे में ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहां फीवर, कमजोरी की शुरुआत के साथ फीवर नहीं होता है, यह एक्यूटली स्टार्ट होता है, अचानक स्टार्ट होता है, और यहां इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बॉडी में डेवलप होता है। लेकिन खास बात यह है कि यहां स्टेरॉयड थेरेपी से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, यहां पर हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने पड़ते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करना पड़ता है, लेकिन यहां पर स्टेरॉयड थेरेपी का बहुत बड़ा रोल नहीं देखा गया है। तो चलिए बात करते हैं गुलेन-बारे सिंड्रोम के बारे में। ये AIDP है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, इस बात को समझना जरूरी है। एक्यूट है ऑनसेट, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यहां देखने को मिलता है, डीमाइलिनेशन होता है, और मल्टीपल नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्व्स हैं वो यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें रिकॉल करना है, समझना है, और इसी से मिलती जुलती एक और कंडीशन हमें पढ़ना है एक्सोनल न्यूरोपैथी के बारे में। एक्सोनल न्यूरोपैथी और डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी, जिसमें हम गुलेन-बारे सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसे समझना जरूरी है। एक्सोनल न्यूरोपैथी जो कि डायबिटीज, मेलिटस, लेड पॉइजनिंग या फिर यूरेमिया की कंडीशन में देखने को मिलती है, और डीमाइलिनेटिंग के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, ये एक्यूट या सब एक्यूट ऑनसेट इसका होता है, जबकि यहां पर ग्रेजुअल इंसीडियस ऑनसेट होता है। डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी के बारे में जब मैंने आपको बताया, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और अक्सर जब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये इन्फेक्शन के बाद डीमाइलिनेशन स्टार्ट हुआ है।
तो इसका भी कारण अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये डीमेलिनेटिंग न्यूरोपैथी या फिर जो गुलेन-बेरी सिंड्रोम है, ये एक्यूट अनसेट कैसे रखता है और यहां इन्फेक्शन के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों होती है। एक्जोनल न्यूरोपैथी, जिसमें मैंने बताया डायबिटीज मिलेटस, लेड पॉइजनिंग या यूरेमिया के बाद ग्रेजुअली इंसीडियस ऑनसेट यहां पर होता है। लार्ज लॉन्ग एग्जॉन्स सबसे पहले अफेक्ट होते हैं और यहां पर लोअर एक्सट्रीमिटी यहां सबसे पहले अफेक्ट होता है। ये डिफ्यूज प्रोसेस है, लेकिन यहां पर भी लोअर लिम्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन हमेशा डिस्टल नहीं होता है। यहां पर सेंसरी मोटर लॉस होता है, जबकि यहां वीकनेस होता है, माइल्ड सेंसरी लॉस होता है या सेंसरी सिस्टम इंटैक्ट भी हो सकता है। डिस्टल इन्वॉल्वमेंट होगा, जबकि डीमेलिनेटिंग में डिस्टल होता है, इसके अलावा प्रॉक्सिमल भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यहां पर एंकल जर्क सबसे पहले और उसके बाद प्रॉक्सिमल टेंडन रिफ्लेक्सेस यहां प्रिजर्व रहते हैं, जबकि यहां पर सारे रिफ्लेक्सेस अचानक खत्म हो जाते हैं। यहां मसल वेस्टिंग कॉमन होती है, जबकि यहां पर मसल वेस्टिंग अब्सेंट होता है। CSF में प्रोटीन्स नॉर्मल होते हैं, जबकि यहां पर CSF में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ी होती है। यहां पर स्लो रिकवरी होती है, जबकि डीमायलिनेटिंग न्यूरोपैथी या गुलेन-बेरी में अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि रैपिड रिकवरी होती है। रेजिडुअल डिफॉर्मिटी यहां कॉमन होती है, जबकि यहां पर रेजिडुअल डिफॉर्मिटी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से एक अंतर करना बेहद जरूरी था। और सबसे खास बात यह है, एक्जोनल न्यूरोपैथी में कंडक्शन की स्पीड, कंडक्शन की वेलोसिटी नॉर्मल होती है, बहुत थोड़ी बहुत कम हो सकती है, मीन्स लगभग नॉर्मल होती है या पूरी तरह नॉर्मल होती है, जबकि डीमेलिनेटिंग न्यूरोपैथी में नर्व का कंडक्शन धीमा हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, यह नर्व का कंडक्शन लगभग नॉर्मल रहता है और एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाता है, जबकि इसमें देखेंगे नर्व का कंडक्शन धीमा हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन एम्पलीट्यूड नॉर्मल रहता है। तो एम्पलीट्यूड नॉर्मल, कंडक्शन की वेलोसिटी धीमी। यहां पर जब हम देखते हैं तो हमें एक्जोनल न्यूरोपैथी से इसका अंतर समझना बेहद जरूरी है। एक्जोनल न्यूरोपैथी, जो कि डायबिटीज मेलेटस, लेड पॉइजनिंग या यूरेमिया के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कंडक्शन की स्पीड नॉर्मल रहती है, यहां एम्पलीट्यूड घट जाता है। और इसके अपोजिट गुलेन-बेरी सिंड्रोम में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो यहां पर स्पीड घटी हुई होती है। गुलेन-बेरी सिंड्रोम में स्पीड घटी हुई होती है और एम्पलीट्यूड नॉर्मल रहता है। तो गुलेन-बेरी सिंड्रोम में और एक्जोनल न्यूरोपैथी के बीच में अंतर पता होना चाहिए। यहां पर लॉन्गेस्ट मसल्स सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। गुलेन-बेरी में लॉन्गेस्ट मसल्स सबसे पहले अफेक्ट होती, इसलिए ये बात कहा जाता है कि यहां पेरिफेरल पार्ट्स जो पेरिफेरी में है वो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। तो यहां एक्यूट असेंडिंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस सबसे पहले शुरू होगा। पर्सन देखते हैं कि आप तेजी से प्रोग्रेस करता हुआ माइलिन शीथ यहां प्रभावित होता है। और माइलिन शीथ क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि माइलिन शीथ के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगी हैं। ये एंटीबॉडीज माइलिन शीथ के खिलाफ क्यों बनने लगी हैं? यहां पर माइलिन शीथ का लॉस क्यों हो रहा है या माइलिन शीथ के खिलाफ क्यों एंटीबॉडीज काम कर रही हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां काम एंटीबॉडीज माइलिन शीथ के खिलाफ नहीं कर रही होती हैं, यहां पर एक्चुअल में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है किसी इन्फेक्शन के खिलाफ होती है। इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते करते जो एंटीबॉडीज होती है वो माइलिन शीथ के खिलाफ भी काम करने लगती है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से। तो यहां पर आप देखेंगे पर्सन, मैंने आपको कहा था लॉन्गेस्ट न्यूरॉन्स अफेक्ट होते सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले बॉडी के डिस्टल पार्ट्स में अफेक्शन यहां स्टार्ट होगा। सबसे पहले पर्सन कहते हैं कि उनके पैरों से स्लीपर्स, चप्पलें उतर जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे पैरों में पैरालिसिस ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है और इस तरीके से पैरालिसिस बढ़ेगा कि वो कहेंगे कि अब वो क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टेयर्स पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्टेयर्स पर क्लाइंब नहीं कर पा रहे, इस तरीके की बात कहते हैं। और थोड़े ही दिनों में बेड रिडन हो जाता है पेशेंट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है। और जब इस प्रॉब्लम के बारे में देखा जाता है तो पता चलता है कुछ दिनों पहले
पर्सन को इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन खासतौर पर कैंपाइलोबैक्टर जिजनाई का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। डायरिया के बारे में भी पर्सन कह सकते हैं कि उनको कुछ दिनों पहले डायरिया था, वो कह सकते हैं कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं। इस तरीके के डेवलपमेंटल प्रोसीजर ऑफ वीकनेस से पहले कोई वायरल इन्फेक्शन था या फिर कंपैलोबैक्टर जिजनाई का कोई इन्फेक्शन था, डायरिया था या कोई और दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस तरीके की पैरालिसिस के डेवलप होने के कुछ दिनों पहले इस तरीके का इन्फेक्शन था। तो हुआ क्या एक्चुअली, कंपाइलोबैक्टर जिजनाई के अगेंस्ट जब इम्यून रिस्पॉन्स ने काम किया तो इस यहां पर एंटीबॉडीज बने। उन एंटीबॉडीज ने इसके आउटर मेम्ब्रेन्स के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। जो एंटीबॉडीज बनी वो कंपाइलोबैक्टर जिजनाई के अगेंस्ट तो काम किया ही, उसने अपनी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इसके आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एक्सोलेमा के माइलिन शीथ के कंस्टिट्यूएंट्स के साथ भी होती है। इसीलिए क्रॉस रिएक्शन होने की वजह से माइलिन शीथ यहां पर डैमेज हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे माइलिन शीथ डैमेज होने लगती है, पेरिफेरल नर्व्स की माइलिन शीथ डैमेज होने की वजह से यहां पर सबसे बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैंने आपको कंपाइलोबैक्टर जिजनाई के बारे में बताया। लगभग ऐसा ही पैटर्न दूसरों के साथ भी होता है क्रॉस रिएक्टिविटी होने की वजह से। आप यहां पर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम मेल्स में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। तो कंपैरेटिव बेसिस पर जब इसकी स्टडी की गई है तो दिस प्रॉब्लम इज स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल्स। ये प्रॉब्लम हमें पता होना चाहिए। और पेशेंट यहां कई मामलों में ऐसा होता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी यहां स्टार्ट हो सकती हैं। और यहां अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज डायफ्राम पैरालिसिस, इसके कारण पर्सन की डेथ होती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां पर अधिकतर मामलों में रिकवरी हो जाती है और पर्सन अधिकतर मामलों में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन जब सीवियरिटी जब बढ़ती है तो यहां रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से, डायफ्राम की पैरालिसिस होने की वजह से, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने की वजह से पर्सन की डेथ होती है। वरना अधिकतर मामलों में रिकवरी 2 से 4 हफ्तों के भीतर, 2 to 4 weeks में यहां पर स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था यहां मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सेंसरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए सेंसरी साइन यहां अब्सेंट होगी। एक बात मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बेहद खास था वो, कि यहां ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी ब्लैडर की पैरालिसिस नहीं होगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यहां नहीं होगा, ब्लैडर यहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके अगेंस्ट यहीं पर एक और प्रॉब्लम होती है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर का एक टाइप है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस में हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पढ़ लिया हम लोगों ने। सेंट्रल पॉन्टाइन माइलिनोलिसिस, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जो कि पेरिफेरल नर्व्स के प्रभाव के बारे में हम यहां पर अभी पढ़ रहे हैं। गुलेन-बेरी सिंड्रोम भी पेरिफेरल नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये सेंट्रल है, ये पेरिफेरल है, ये भी ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, पेरिफेरल है, पेरिफेरल का इसका ही साथ में मिला जुला है गुलेन-बेरी। लेकिन गुलेन-बेरी से ये कैसे अंतर रखता है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहां भी पेरिफेरल ही इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप देखेंगे यहां पर मोटर और सेंसरी दोनों ही ट्रैक्स प्रभावित होते हैं, जबकि हम लोगों ने गुलेन-बेरी में पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ मोटर ट्रैक प्रभावित होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है गुलेन-बेरी में, हम लोगों ने देखा था कि वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रभाव नहीं होता है, जबकि यहां अल्टर्ड सेंसेशन देखने को मिलता है। यहां पर एक और खास अंतर है गुलेन-बेरी से, कि यहां यूरिनरी या बॉवल का डिसफंक्शन होता है, जो कि गुलेन-बेरी में नहीं होता। तो ये पेरिफेरल डीमाइलिनेशन की एक और कंडीशन, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और इसका भी कॉज वायरल या फिर दूसरे भी कॉज हो सकते हैं, तो ये भी इन्फेक्शन के बाद ही होता है। लेकिन यहां पर
जो अंतर है वो ये है, मोटर और सेंसरी ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट और यूरिनरी और बॉवल का डिसफंक्शन जो कि गुलनबेरी में नहीं था। तो इस तरीके से हमें एक रिलेटिव स्टडी करना जरूरी है यहां पर थोरेसिक पार्ट स्पाइनल कार्ड का पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद अफेक्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा ट्रांजैक्ट हो गया, कार्ड ट्रांजैक्शन जैसा प्रभाव यहां पर पड़ता है। इसलिए बोथ साइड की बात अभी लिखा हुआ था, बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कार्ड जो लिखा गया वो इसीलिए लिखा गया क्योंकि थोरेसिक रीजन में आप यहां पर देखेंगे पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद ऐसा लगता पूरी तरीके से कॉर्ड कट गई है, उसके नीचे पूरी तरीके से सेंसेशन नहीं पहुंच पाता है। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस तरीके से ट्रांसवर्स माइलाइटिस गुलनबेरी से मिलता जुलता है। लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हम यहां पर ट्रीटमेंट के बारे में अभी आगे बढ़ेंगे। हमने अंतर कर लिया ट्रांसवर्स माइलाइटिस से भी, एक डिफरेंस हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, क्लिनिकली प्रेजेंटेशन कैसे होता उसको हम लोगों ने उसके डिफरेंस को समझ लिया। लेकिन यहां पर आप समझ लें कि ओवरऑल गुलनबेरी का डायग्नोसिस बनाते समय, अब हम गुलनबेरी पर ही चलेंगे, तो यहां पर डायग्नोसिस बनाते समय गुलनबेरी का नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एग्जामिनेशन करते हैं। तो यहां पर हम पेरिफेरल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी घट जाती है। एम्पलीट्यूड हालांकि नॉर्मल रहता है, उसके बावजूद भी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी घटती है, इसलिए हम उसको यहां पर चेक करते हैं, पेरिफेरल नर्व के इन्वॉल्वमेंट को पढ़ते हैं। इसके अलावा CSF की जांच करते हैं लंबर पंक्चर करने के साथ ही, यहां पर खास फाइंडिंग होती है CSF की। तो यहां पर जब हम चेक करते हैं तो थोड़ा डायग्नोसिस बनाने से पहले CSF एग्जामिनेशन या फिर नर्व की वेलोसिटी कंडक्शन की बारे में जांच करने से पहले, तो यहां पर समझना जरूरी है कि माइल्ड सेंसरी सिम्टम्स या साइन देखने को मिलते हैं, रिलेटिवली सिमेट्री ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और आप यहां पर देखेंगे कि क्रैनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। तो इस तरीके से जब फीचर्स मिलते हैं तो कंफर्म करते समय लेबोरेटरी डायग्नोसिस की जाती है, जिसमें CSF की जांच की जाती है। यहां पर CSF प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर CSF में प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है गुलनबेरी सिंड्रोम में, और यहां पर एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखा जाता है, यानी एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ज्यादा होगा और जो सेल्स होते हैं वो यहां पर कम होते हैं। तो यहां पर हमें यह भी देखना है कि प्रोटीन बढ़ा हुआ है लेकिन सेल्स घटे हुए हैं, और ये प्रॉब्लम के साथ ही साथ आपको HIV CMV के बारे में भी सोचना होगा। और इलेक्ट्रो डायग्नोसिस टेस्ट के दौरान हम कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करते हैं, तो ध्यान रहे यहां पर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी घटी हुई मिलती है, पेरिफेरल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, CSF जो कि लंबर पंक्चर के द्वारा करते हैं इसमें प्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है। तो यहां एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक यहां पर डिसोसिएशन देखने को मिलता है। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन का मतलब होता है CSF की जांच करने पर प्रोटीन बढ़ा हुआ और यहां पर सेल्स अब्सेंट होते हैं, सेल्स अब्सेंट होंगे और प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, ये खास प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। मेनिनजाइटिस से जब हम इसको अलग करके देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे वहां ग्लूकोज लो होगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा और प्रोटीन बढ़ने के साथ साथ वहां सेल्स भी बढ़े हुए होते हैं। तो जब हम मेनिनजाइटिस से यहां अंतर करते हैं गुलनबेरी सिंड्रोम में, तो आप देखेंगे कि गुलनबेरी में सेल्स कम होते हैं, प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है, जबकि मेनिनजाइटिस में सेल्स भी बढ़ा हुआ होता है और मेनिनजाइटिस में प्रोटीन्स भी बढ़ा हुआ होता है और इसके साथ ही साथ ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है। तो ये बैक्टीरियल कॉजेस से होने वाले CSF की जांच, अगर मेनिनजाइटिस अगर बैक्टीरियल कॉजेस की वजह से हुआ तो उसकी CSF की एग्जामिनेशन करके हम एक डायग्नोसिस यहां बना सकते हैं। तो इस तरीके से मेनिनजाइटिस के बारे में हम एक आइडिया बना लेते हैं।
तो मेनिंजाइटिस से इसका अंतर करना बेहद जरूरी होता है, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमें डिफरेंट कॉजेस को रूल आउट करना है, एचआईवी को रूल आउट करना, सीएमवी इन्फेक्शन को रूल आउट करना, क्योंकि ये आफ्टर इन्फेक्शन होने वाली प्रॉब्लम है गुलनबेरी। और गुलनबेरी में एक चीज और भी है कि यहां पर सीएसएफ का एग्जामिनेशन, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब सीवियरिटी बढ़ने लगती है तो यहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट तैयार रखना चाहिए, क्योंकि गुलनबेरी में डेथ होने का बहुत बड़ा कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण यहां पर पेशेंट की डेथ हो जाती है। यहां ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में आईवी इम्यूनोग्लोबुलिंस दिया जाता है। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिंस इनकी 400 mg पर kg वेट के हिसाब से आईवी डोज दिया जाता है, ओडी 5 डेज तक इसे देते हैं। और यहां पर ध्यान में रखना है कि स्टेरॉयड थेरेपी का बहुत बड़ा कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिंस आईवी डोज में देते हैं, और अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में प्लाज्मा फेरेसिस किया जा सकता है। तो अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में प्लाज्मा फेरेसिस, वरना यहां पर हम इम्यूनोग्लोबुलिंस का डोज देते हैं। स्टेरॉयड थेरेपी का कोई रोल गुलनबेरी सिंड्रोम के मैनेजमेंट में नहीं देखा गया है। तो इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा गुलनबेरी के बारे में, बहुत सारे इससे एसोसिएटेड फीचर्स को समझा, यहां पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस को समझा, हम लोगों ने देखा इसके डिफरेंट पार्ट्स को, और ये देखा डीमाइलिनेटिंग डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलनबेरी और ट्रांसवर्स माइलाइटिस के बीच में क्या अंतर होता है, सीएसएफ का पिक्चर यहां पर कैसे अलग होगा मेनिंजाइटिस से, वो भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है।